जलपाईगुड़ी जिला नगरकटा ब्लॉक के अंतर्गत नयाशैली चाय बागान में बागान बंद होने के कारण यहां पे एक कैंप लगाया गया था। यहां पे डिस्ट्रिक्ट लेवल की तरफ से 6 डिपार्टमेंट के लोग मजदूरों की सहायता के लिए आए हुए थे। यहां पर जो कर रहे हैं हम लोग, डॉक्टर से का भी कर ही रहा है और क्या बोल रहे हैं, ब्लड टेस्ट हो रहा है, एक्सरे हो रहा है, हर किस्म का ट्रीटमेंट होता है। और जो यहाँ पर नहीं होता है वो हम लोग को रेफर कर देता है कोई बीपीएससी में। 8/11/2016 को नयाशैली चाय बागान के एमएसके स्कूल में गवर्नमेंट की तरफ से मजदूरों की सहायता के लिए एक कैंप लगाया गया था। यह कैंप सुबह 9 बजे से लगा था और इसमें सभी डिपार्टमेंट के लोग आए हुए थे, लोगों को जानकारी दे रहे थे। हेल्थ की तरफ से डॉक्टर तथा नर्स भी आए थे। वे लोग बीमार को इलाज तथा साथ में दवाइयां भी दे रहे थे। ज़्यादा बीमार होने पर लोगों को ब्लॉक हॉस्पिटल तथा सब डिवीज़न हॉस्पिटल इलाज के लिए एफआईआर दर्ज करने की बात कर रहे थे, सेवाएं दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि स्वास्थ्य, वो लोग अगर बीमार है कोई चेकअप करना है तो यहाँ पर कर सकता है। कोई लोग अगर विद्युत का कनेक्शन नहीं है यहाँ सिर्फ फॉर्म ले जाके कर सकते हैं। किसी को अगर लगे कि मेरा वृद्ध भत्ता नहीं मिल रहा है तो कागज लेके यहाँ पर जमा दे सकता है। किसी का राशन कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड के विभाग भी यहाँ पर बैठा है, उनसे वो सब जानकारी लेके बना सकते हैं। मैंने मोटा मोटी जैसे कि भवन वाले को जो सुविधा है उनको मिलनी चाहिए, वो सरकार की तरफ से जो दिया हुआ है वो उन लोगों को ठीक तरह से मिले। विद्युत सहयोगी की तरफ से जिसके घर में बिजली नहीं है और जिसके घर में बिजली खराब हो गई है उनके लिए फॉर्म भर रहे थे। 100 दिन का काम को लेकर भी बैठे थे तथा जिसके पास जॉब कार्ड नहीं है उसको जॉब कार्ड बनाने की सलाह दे रहे थे। इसी प्रकार से पेंशन को लेकर भी बैठे थे। इसी तरह करके वे लोग बंद बागान में सहायता प्रदान कर रहे थे। यह बागान 24/9/2016 को बंद हुआ था। मैं सुसंति इंदवार, पश्चिम बंगाल, इंडिया अनहर्ड के लिए।